प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे संवाददाता ने हरदोई के एसपी आलोक प्रियदर्शी से खास बातचीत की। हरदोई में लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं, वहीं पुलिस विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। हरदोई की पुलिस ने क्या व्यवस्थाएं की हैं लोकसभा चुनाव की सुरक्षा को लेकर के, हमारे साथ एसपी हरदोई आलोक प्रियदर्शी हैं। हम जानते हैं कि हरदोई में पुलिस ने क्या तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर की हैं। हरदोई पुलिस ने आचार संहिता के अनुपालन में जो भी पोस्टर बैनर वगैरह हटवाने थे वो आकार शुरू हो गया है और 24 घंटे के बाद के पहले ही तकरीबन 90% काम पूरा कर लिया गया है और इस टेम्पो को आगे भी बनाए रखा जाएगा। हमारे साथ के सहयोगी अधिकारी हैं, हर किसी को अच्छी तरह से ब्रीफ कर दिया गया है, ट्रेन कर दिया गया है। सारी जो एनसीसी की कंडीशंस हैं, जो भी उनकी रेगुलेशंस हैं, वो उनको सबको लिखा पढ़ी में दे दिया गया है और उनकी इसके बारे में कई बार ट्रेनिंग करके 1-to-1 उनको बताया जा चुका है। इसके अलावा सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जनपद में 24 अंतर जनपदीय बैरियर हैं जहाँ पर ऑलरेडी राउंड द क्लॉक पुलिस का प्रेजेंस और चेकिंग कराई जा रही है। जनपद के अंदर के 47 बैरियर्स पर भी पोलिंग के दिन सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग का कार्यक्रम रहेगा। तो ये थे हरदोई के एसपी आलोक प्रियदर्शी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आप निष्पक्ष रूप से मतदान कराएंगे। जनता से भी सहयोग की अपेक्षा है कि वो मतदान करे, खुराफातियों के लिए उनकी पुलिस हमेशा मुस्तैद है। हरदोई से कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ मनोज तिवारी, भारत समाचार। बढ़ते आगे।